अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। जानते हैं आज की खबर। सुरेश चौहान के खिलाफ मुदखेड़ शहर के पुलिस स्टेशन में कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद में एक प्रोग्राम में सुरेश चौहान के ने मुस्लिम राजाओं और मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। शहीद टीपू सुल्तान के बारे में जहर उगलते हुए मुसलमानों के बारे में भी गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। इस तरह की बयानबाजी देश के माहौल को खराब कर सकती है। सुरेश चौहान की इस तरह की बयानबाजी सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि बहुत से भाषणों में कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जबानों को कानून के तालों से बंद किया जाना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवानों ने शिरकत की। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। और जो जो मुसलमानों को जो है लांडे, ये जो अपना क्या बोलते हैं, नन्नू कटी हुई, ऐसे शब्दों का जो है इस्तेमाल करें वो खराब करें सर। और जो है सर, इसकी वजह से सर मुस्लिम समाज बहुत बहुत ज़्यादा नाराज है और उनके खिलाफ में जो है हर जगह जो है मेमोरेंडम देकर गुना दाखिल किया जा रहा है। तो हमारी आपसे गुजारिश है, हमारा जो है यहाँ पर मेमोरेंडम के तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो तो सर आप देख सकते हैं, बहुत सारा जो है मुस्लिम समाज जो है नाराज है। तो सर आपके सामने बहुत ज़्यादा जो उम्मीद लेकर आए हमारी जो है इस लिखित मेमोरेंडम के तहत आप जो है उसके ऊपर कार्रवाई करें। ठीक आहे, आज जो कायदेशीर मुद्दा होता वेगळा बघा, याच्यामध्ये जे आहे कायदेशीर ज्या गोष्टी आहेत, आमच्या आमच्या आपण ज्या काय कायदेशीर गोष्टी आहेत, त्या कायदेशीर गोष्टी याच्यामध्ये कसं असतं की तिथं घटना घडलेली आहे, ॲक्च्युअल ते कार्यक्षेत्र असते, त्यामुळे ही जी तुमची जी हे आहे हे आम्ही त्यांना त्यांना पाठवून आमच्या वरिष्ठांना पाठवून त्याप्रमाणे आमच्या हातातले जे काय फोटो आहे ते आम्ही शंभर टक्के पाठवतो। हां, आमचं रिक्वेस्ट आहे सर, एक शंभर फोटो घ्यायला मुदखेड़ पुलिस स्टेशन में एक मेमोरेंडम दिया गया, जैसा कि औरंगाबाद के अंदर एक गैर कानूनी तरीके से सभा ली गई जिसमें राजा सिंह और सुरेश चौहान के इन दोनों जो है अपनी जो है स्पीच की, और अपनी स्पीच के ज़रिए मुसलमानों और मुसलमानों की औरतों को और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स जिनको है कि जिनको जो है एक नीचा और जो है गालियों से जो है बात की गई, जिनकी बेइज्जती की गई और मुसलमानों को अपशब्द जो है उसके बारे में इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम समाज काफ़ी नाराज़ है। और जो है मुदखेड़ शहर में एक मेमोरेंडम दिया गया इसके ताल्लुक से, जो कि सुरेश चौहान के इसके ऊपर जो है FIR दर्ज किया जाए। जैसा कि हमको पता चला है कि औरंगाबाद के अंदर उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। ये मलून, ये खबीस जो है ये मुसलमानों को हमेशा जो है टारगेट कर यही कहता है, अनाप शनाप जो है अपशब्द जो है इस्तेमाल करता है, टीपू सुल्तान के बारे में बुरा बोलता है, जिनको आज तक टीपू सुल्तान की तारीख की जो है पता नहीं है तारीख, वो लोग जो है टीपू सुल्तान के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र हो या फिर हिंदुस्तान हो, इसके अंदर जो है पहले ही जो है वातावरण जो है ख़राब चल रहा है। तो ऐसे वातावरण में जो है और वातावरण को ख़राब करने का दंगा फैलाने का, शर फैलाने का काम जो है ये सुरेश चौहान के जैसे लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर देशद्रोह का और NSA UAPA लगाया जाए। ये हमारी मांगनी है जो है मुदखेड़ पुलिस स्टेशन में की गई। ज़ालिम से डरने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है इम्तिहा हमारा। नए नए दौर में ऐसे BJP हो या संघ परिवार हो या बजरंग दल हो या RSS हो, नए नए फितने लोगों को लाकर ये बताना चाह रही है कि मुसलमान जो है सो एक दबी हुई और कुचली हुई कौम है। मैं उनको बताना चाहता हूँ 700 साल पुरानी हमारी जो है सो इतिहास है कि जो है सो हमने यहाँ पर हुक्मरानी की है, लेकिन हमारे हुक्मरानी में वो चरिंद परिंद वो सारे इंसान सब खुशहाल थे, लेकिन ये 5 साल की या 10 साल की हुकूमत में ये लोग नफरत अंगेज़ बातें कर रहे हैं। और इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ ऐन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सामने खुली किताब है, लेकिन मुसलमानों को ये बताना चाहूँगा कि उस किताब को पढ़िए, पढ़ने से ये हासिल होगा कि ये जो नफरत अंगेज़ बातें कर रहे हैं, ये ना जाने ये किसके तरफ से कह रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन जो मुसलमानों को एक
उबालने की कोशिश कर रहे हैं, इनके गुस्सों को तपिश देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा और इस मौजूदा हुकूमत से, शिंदे सरकार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ NSA लगाया जाए। और इनकी हिम्मत तो देखिए, मैं औरंगाबाद पुलिस के SP साहब को, निखिल गुप्ता साहब को ये कहना चाहूँगा कि जब उनको परमिशन नहीं थी रैली की या सभा करने की, तो उनको किस बुनियाद पर आपने जो है सो परमिशन दी? उनके खिलाफ जो है सो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको 2 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है। ये ऐसा कौन सा पुलिस का रवैया है जो आप जो है तो इख्तियार कर रहे हैं? हम आपको ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मुसलमान कभी ना डरा है ना डरेगा। आप लाख कोशिश कर लो दबाने की, इंशाल्लाह वही पुरानी ताकत के साथ उभरेंगे। खुदा हाफिज़।